फरवरी में होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। कभी कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलती है तो कभी बीजेपी कांग्रेस को नकारा साबित करने की कोशिशों के अपने प्रयास तेज कर देती है। हाल का मामला राहुल गांधी की जैकेट से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर मेघालय गए हैं। राहुल गांधी की जैकेट ने बीजेपी को उन पर हमले का मौका दे दिया है। राहुल गांधी की जैकेट की कीमत पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी मेघालय ने अपने ट्विटर अकाउंट से उनकी जैकेट की कीमत 70,000 रुपए बताई है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने बीजेपी के आरोप को हंसी में टालते हुए कहा कि ऐसी जैकेट 700 रुपए में भी मिल सकती है। मीडिया से बात करते हुए रेणुका ने कहा कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि मुझे बीजेपी के उस उतावलेपन पर हंसना चाहिए या रोना। आप कहना चाहते हैं कि लोग बैठकर ऑनलाइन कीमत सर्च कर रहे हैं, ऐसी जैकेट मैं 700 रुपए में भी दिखा सकती हूं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।